इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डी फूडी को सब्सक्राइब करें। घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डी फूडी। आज की हमारी रेसिपी है लौकी की बर्फी। लौकी की बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और लौकी हर जगह आसानी से मिल भी जाती है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप लौकी की बर्फी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी लौकी की बर्फी कैसे बनी है। अब देख लेते हैं कि लौकी की बर्फी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। मैंने 800 ग्राम की लौकी ली है, जिसे मैंने छील लिया है, काट कर कद्दूकस कर लिया है और उसे दबाकर पानी भी निकाल दिया है। 200 ग्राम खोया लिया है, बहुत से लोग इसे मावा भी बोलते हैं। 1/4 कप घी लिया है। 150 ग्राम चीनी लेंगे, इसे स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कुछ बादाम लिए हैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। मैंने कुछ काजू लिए हैं, जिसे भी मैंने बारीक काट लिया है। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है तो लौकी डाल देंगे। इसे लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे। हम एक साइड खोया को भी रोस्ट कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे, फिर खोया भी डाल देंगे। इसे भी हम 4-5 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। अगर आप मार्केट का यूज कर रहे हैं तो ही आप खोया को रोस्ट करें। हम दोनों चीजों को बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा खोया रोस्ट हो गया है तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारी लौकी हल्की सी पक गई है तो हम चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद लौकी का जूस निकलेगा। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी लौकी जले ना। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि लौकी का जूस खत्म ना हो जाए। लौकी का पानी खत्म हो गया है तो हमें यहाँ घी डाल देंगे और अच्छे तरीके से लौकी को भूंज लेंगे। और हम खोया भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हमें काजू और बादाम भी डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ काजू बादाम ना डालें, आप बाद में भी डाल सकते हैं। इस समय आप फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ फूड कलर का यूज नहीं कर रही हूँ। हमारी बर्फी जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है तो इसे हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें घी लगा देंगे। घी लगाने से क्या होता है ना, ये बहुत अच्छे से निकल आती है। अब हम इस तरीके से इसको फैला देंगे।
डेकोरेट करने के लिए काजू और बादाम डाल देंगे। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमारी बर्फी ठंडी हो गई है तो हम इसे काट लेंगे। आप पीस अपने अकॉर्डिंग छोटे और बड़े काट सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी बर्फी बहुत अच्छी बनी है। इसे आप 3-4 दिन फ्रिज में रखकर खा सकते हैं।